हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स देखिए, अगर आप लोगों ने एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्जाम दिया है और आप लोग जो है सीबीटी 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो साइको टेस्ट होता है एनटीपीसी में, हालांकि जो आपका साइको टेस्ट है जिसको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोला जाता है, ये आपका सिर्फ दो ही पोस्ट में, स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट में ही केवल ये टेस्ट आपका होना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि किस तरह से ये टेस्ट होता है, कितने स्टूडेंट जो है साइको टेस्ट के लिए लिए जाने हैं, किस तरह से आपके टेस्ट होते हैं, तो सारी डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। बट मेक श्योर कि वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। पूरा वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको दोबारा कोई भी वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए जो एनटीपीसी का एग्जाम है इसमें केवल दो पोस्ट में आपका साइको टेस्ट होना है और इसी को जो है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोला जाता है, इसी का नाम है। ठीक है, दोनों बातें आपको याद रखनी है। देखिए, लेवल 6 की जो आपकी पोस्ट है स्टेशन मास्टर की, इसमें आपका जो है साइको टेस्ट होना है, और ट्रैफिक असिस्टेंट की जो पोस्ट है लेवल 4 की, इसमें आपका जो है साइको टेस्ट होना है, इसी को कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोला जाता है। कंप्यूटर पर ही आपका ऑनलाइन होता है, उसके बारे में मैं आगे आपको जानकारी दूंगा। बात करते हैं, देखिए आपको पता है स्टेशन मास्टर की जो पोस्ट है इस बार एनटीपीसी में वो 6865 है, उसके 8 गुना अभ्यर्थी जो है वो यहां पर लिए जाएंगे, किसके लिए, साइको टेस्ट के लिए। और इतनी ज्यादा संख्या में स्टूडेंट को इसलिए लिया जाता है क्योंकि जो आपका साइको टेस्ट होता है यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट जो है फेल होते हैं, तो लगभग देखिए 54,920 स्टूडेंट का सिलेक्शन सीबीटी 2 के बाद जो है साइको टेस्ट के लिए किया जाएगा। वहीं अगर बात करते हैं ट्रैफिक असिस्टेंट की, तो 88 पोस्ट है आपकी ट्रैफिक असिस्टेंट की, उसका 8 गुना करते हैं तो 704 कैंडिडेट जो है क्वालिफाई करेंगे साइको टेस्ट के लिए। अब उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको याद रखनी है। देखिए, जब यहाँ पर आप साइको टेस्ट के लिए जाएंगे, मतलब कि जब आपको साइको टेस्ट की डेट मिल जाएगी, तो उस टाइम पर आपको अपना एक विजन सर्टिफिकेट बनवा के ले जाना होता है। डिस्प्ले पर आप लोग देख सकते हैं, इस वाले फॉर्मेट में आपको अपना एक आईज का सर्टिफिकेट बनवाना होता है। ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करके वहाँ पर ले जानी होंगी। अगर आप ये सर्टिफिकेट नहीं ले जाते हैं तो आपको साइको टेस्ट नहीं देने दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात समझिए, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जो आपका साइको टेस्ट होता है इसमें पूरे टेस्ट के दौरान कहीं भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब बात करते हैं लैंग्वेज की, तो देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको यहां पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जब आप साइको टेस्ट के लिए जाएंगे तो दोनों ही लैंग्वेज के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। जो आपका सीबीटी 2 के मार्क्स होते हैं, मान लीजिए आपके सीबीटी 2 में जो है 70 मार्क्स आते हैं, तो उस 70 का 70% वहां पर लिया जाएगा, यानी कि सीबीटी 2 का 70% और जो आपको साइको में मार्क्स मिलेंगे उसका 30%, उन दोनों को प्लस करने के बाद ही फाइनल कट ऑफ आपका बनेगा जिस पर आपका सिलेक्शन होगा। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं, एक वेबसाइट है आपकी rdso.indianrailway.gov.in। अगर आप लोग जो है साइको टेस्ट के सैंपल वगैरह देखना चाहते हैं या अगर आप अपने क्वेश्चंस के ऑफिशियल आंसर जानना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे। वहां पर आपको जो है एनटीपीसी एएलपी सभी के साइको टेस्ट के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जितनी भी आपकी क्वेरी है, सभी के आंसर मिल जाएंगे। वहां पर आपको सैंपल टेस्ट भी मिल जाएंगे, यानी किस तरह के टेस्ट होते हैं वो सैंपल भी वहां पर दिए गए हैं। अब बात करते हैं कि साइको टेस्ट होता कैसे है। देखिए, साइको टेस्ट जो है इसमें 5 बैटरी टेस्ट होते हैं, उनको बैटरी टेस्ट बोला जाता है। बेसिकली आप रीजनिंग ही होता है, लेकिन घुमा फिराकर रीजनिंग को थोड़ा सा एडवांस किया गया और एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बेसिकली यहां पर आपके 5 बैटरी होती है। पहला जो आपका टेस्ट होता है वो आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, यानी कि आपकी बुद्धिमत्ता का जो परीक्षण है वो यहां पर किया जाता है। और यहां पर देखिए 35 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जिनके लिए आपको 10 मिनट मिलते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं, ये जो 10 मिनट है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलते हैं, बाकी इंस्ट्रक्शंस को रीड करने के लिए आपको अलग से टाइम मिलता है। मतलब जैसे आपने सीबीटी 1 दिया होगा तो जिस टाइम पर आपका वहां पर एग्जाम खुलता है तो शुरू में कुछ इंस्ट्रक्शंस आते हैं, तो यहां पर भी ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शन आते हैं, वो इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ने होते हैं, उसको समझना होता है, उसी के आधार पर आपको क्वेश्चन करने होते हैं, तो उसके लिए अलग से टाइम मिलता है। बाकी उसके बाद अगर बात करें इंटेलिजेंट टेस्ट की, तो 35 क्वेश्चन आपको 10 मिनट में करने होंगे। दूसरा यहां पर जो टेस्ट होता है वो सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और उसके लिए आपको 8 मिनट मिलते हैं। तीसरा यहां पर जो टेस्ट होता है वो आपका स्कैनिंग टेस्ट होता है और इसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके लिए आपको 8 मिनट मिलते हैं। चौथा यहां पर जो आपका टेस्ट होता है वो ऑर्डरिंग टेस्ट होता है और इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं, वो आपको 10 मिनट में करने होते हैं। और लास्ट यहां पर टेस्ट होता है पर्सनैलिटी टेस्ट, इसमें 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 12 मिनट में। अब देखिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चन का फॉर्मेट है ये पुराना है, इसमें फ्यूचर में चेंज भी हो सकता है, बट आप मानकर चलिए कि इसी फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए एक टेस्ट के बाद जो है आपको 1 मिनट का रेस्ट दिया जाता है दूसरे टेस्ट को करने से पहले, यानी कि पर टेस्ट के बाद आपको 1 मिनट का रेस्ट मिलेगा। उसके बाद अगर बात करें क्वालिफाइंग मार्क्स की, देखिए जो आपके यहां पर 5 बैटरी टेस्ट होते हैं इनमें आपका एक टी स्कोर बनाया जाता है। जो टी स्कोर का फॉर्मूला है ये भी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहां पर सारी चीजें दी गई हैं। ठीक है, यहां पर एक फॉर्मूला होता है, जिस तरह से आपका नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला होता है, ऐसे एक फॉर्मूला होता है टी स्कोर निकालने का।
तो पर बैटरी टेस्ट में आपका जो टी स्कोर होना चाहिए वो 42 होना चाहिए। अगर देखिए मान लीजिए चार टेस्ट में आपका जो स्कोर है वो 42 प्लस आ रहा है, लेकिन अगर एक टेस्ट में 42 से कम आ रहा है तो वहां पर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल होते हैं इस बात को लेकर। तो पांचों बैटरी टेस्ट में 42 नंबर आपके कम से कम होनी चाहिए। यहां पर कैटेगरी वाइज कोई रिजर्वेशन वगैरह नहीं मिलता है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है, तो सभी के जो है 42 नंबर कम से कम एक बैटरी में लाने होते हैं। बात करते हैं, देखिए मैंने आपको बताया इंस्ट्रक्शन रीडिंग करने के लिए आपको अलग से टाइम मिलता है। जैसे यहां पर आपका पहला टेस्ट खुलता है इंटेलिजेंट टेस्ट, वहां पर पहले आपको इंस्ट्रक्शन रीड करने के लिए 5 मिनट, 8 मिनट या 10 मिनट इस तरह से दिए जाते हैं। उसके बाद आपके क्वेश्चंस खुलते हैं, क्वेश्चंस के लिए आपको अलग से टाइम मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर बात करते हैं बेस्ट बुक की, जैसे कि आपको पता है कि अगर साइको टेस्ट की आपको तैयारी करनी है, वैसे तो कंप्यूटर पर ऑनलाइन होता है और इसके लिए आप लोग ऑनलाइन प्रिपरेशन भी कर सकते हैं या फिर पटना या दिल्ली वगैरह जाकर आप लोग इसकी कोचिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप घर पर इसकी तैयारी करना चाहते हैं यूट्यूब से, तो साथ में आप लोग बुक्स का यूज कर सकते हैं। इनके लिए कुछ बुक्स आती है और बुक्स में जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे वहां पर पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर तीन बुक मैं आपको बता रहा हूं, बाकी मैं फ्यूचर में अलग कोई नई बुक आएगी वो भी बता दूंगा। यहां पर एक आर गुप्ता की बुक आती है और एक आपकी बीके सिंह की बुक आती है। लेकिन अगर आपको बेस्ट बुक चाहिए तो आपकी जो किरण की बुक होती है, तो किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती है बेस्ट बुक है आपके लिए। और इस बुक को लेकर आप लोग क्वेश्चंस का पैटर्न देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो वो सारा पैटर्न आपको इन बुक्स में पता लग जाएगा। साथ ही आप लोग इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब देखिए मैंने आपको यहां पर एक ओवरव्यू दे दिया है, पांच तरह के आपके टेस्ट होते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक एक टेस्ट का आपको जो एग्जांपल भी दूं यहां पर और अच्छी तरह से इसको डिफाइन करूं, तो सेपरेट वीडियोस के लिए मैं बना दूं, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और डिटेल में मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और वो किस तरह से आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी जानकारी साइको टेस्ट से जुड़ी हुई। उम्मीद करता हूं आपके डाउट्स यहां पर क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई कमेंट है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप मुझे टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रहा हूं।